पूरा अरब देश में निजक खोली पाओ भावुवा तर्की बेले बेले एमती किसी रणनीति आपणाऊँगी जहाँ समग्र विश्व को चकित कर गोटे पटे निजर आतंकवादी प्रोत्साहन कार्यक्रम एवं बेले बेले आमेरिका को चकमा दे रुषिया रो संपर्क बढ़ेबा एभली किसी विदेश नीति ही एवं प्रतिबंधक माड़े तुर्की निजस्व अर्थनीति लीरा जमी तलकू जाऊँगी बाद भी आर्तोगोन एवं 622 कोटी टंकार एक हेलिकप्टर डिल कैनसल कर समस्त चकित कर जड़े सरकार जदि अस्त्रशस्त्र को व्यापारिक भित्तिर आनी बिक्री करि पारुछि एवं एथिरु उपलब्ध टंका ताहार रिजर्व करेंसी को बढ़ेबा पई साहाज्य करुछि एपरी स्थले जड़े सरकार एभली डील को कैनसल करुछि ताहा भी जेउ कारण पई ताहा समस्त को चकित करिछि कि तुर्की एभली निष्पत्ति केमिति नैथिला। तबे एहा कहबा पूर्वरु आपण मानकु गोटे कथा निश्चित भाबरे जने देबा दरकार जे तबे तुर्की इसी डील को बातिल कर दबा पछरे जो घटनाटी रही जड़े महिला जहाँकि सबुठारु बड़ चर्चित खबर एमती भी तुर्की रे महिला मानकर स्थिति विपन्न बोली रिपोर्ट प्रकाश पाई कारण एथिरे महिला मानकु जे भली भाबरे अनुमातिक अत्याचार करा जाए एही अत्याचार पछरे केवल सेमानक परिवार एवं आत्मीय स्वजनकर संख्याधिक बा शतकड़ा अधिका थाए तबे से जहाँ भी हो यही घटना किंतु संपूर्ण भंड तुर्की रे एक बैठक अनुष्ठित हबार थिला। आपण माने एही जो दृश्य ए दृश्य देखंतु एही मीटिंग हॉल रे दुई जण बसछन् जणे हेले तुर्की रो प्रधानमंत्री आर्दोगन अन्य जणे हेले चार्ल्स माइकल एवं तृतीय जणक हेले महिला। तबे एहा एक त्रिपाक्षिक बैठक हेले मध्य आर्दोगन को एही बैठक खाना रे मात्र दुईटी चेयर बा दुईटी चौकी पड़ीथिला जेउथिरे आर्दोगन एवं चार्ल्स माइकल बसी जाइथिले जेतेबेले तृतीय महिला जणक एठारे पहुंचीथिले तांको पई बसिया पई कोनोसी चौकी ही नथिला। तबे ए महिला जणक एंती सेंती महिला नथिले ए महिला थिले यूरोपियन कमिशन र प्रेसिडेंट बा यूरोपियन संघ कमिशन जो रहिची यूरोपियन कमिशन र प्रेसिडेंट ओस्वा वंडरलियोने एही महिला जणक मध्य एही बैठक रे भाग नबार थिला जहां को पई चौकी ही पका जाय नथिला। तबे सबुठारु बड़ प्रसंग हला आर्दोगन को बैठक रे जदि तीन जण को डका जायची ताहले दुईटी चौकी पड़ीला केमिति एक कथा तो नुहो जे आर्दोगन को जो बैठक रहिबो एठारी तीनोटी चौकी ही नथिबो। तबे किसी समय एही महिला जणक ठिया हवा परे एक सोफारे बसी जाइथिले एवं बैठक चलीथिला एहा को दे हो हल्ला मतिथिला विभिन्न मीडिया रे एवं सारा बैठक सरिबा परे तमाम एही खबर एते बवाल करथिला जे एहा सीधा सळख जाई पहुंचीथिला इटली रो प्रधानमंत्री पाखरे। इटली रो प्रधानमंत्री मारियो डोगरी जे की सीधा सळख आर्दोगन को एक तानाशाही सरकार बोली कहिथिले जे महिलांकर सम्मान जानी नाही एबे एको मीडिया सामने उत्तर रखिथिबा बळे चार्ल्स माइकल मध्ये कहिथिले कि एभली घटना निहाति पक्षरे जेतिकि दहनीय सेतिकि निंदनीय मध्य एवं एहा पई से राति सारा सोई पारि नथिले किंतु सबटे बड़ कथा हला जे यु बा यूरोपियन संघर कमिशन रो सभापति को एभली अपमान करा जायथिला काहेकि तबे इटली प्रधानमंत्री कर आर्दोगन को तानाशाही कहिबा ही इटाली एवं तुर्की मध्यरे होइथबा हेलिकॉप्टर डील उपरे पूर्णच्छेद पड़ीगला। इटाली तुर्की थारु प्राय 622 कोटी टंकार निवेश रे हेलिकॉप्टर किणिबाकु जाउथला जहाकि लियोनार्डो कंपनी सह एही डील को बातिल कर दिथिले आर्दोगन। एतथिला एक विचित्र घटना। द्वितीय घटना हला श्रीलंकार। किसी दिन तले श्रीलंका सैन्य पाकिस्तान सैन्य मिशि समराभ्यास लिप्त थे खास करी पाकिस्तान सैन्य और श्रीलंका सैन्य मिलित भाव एक जॉइंट ऑपरेशन ही प्रस्तुति करते जहाँकि दुई देशर सुरक्षार प्रसंग था और दिने दुई दिन नुह प्राय 15 दिन धरी यही समराभ्यास जारी रही। तेरे हठात श्रीलंका पाकिस्तान को छाड़ भारत सैन्य सा चाहूँगी कहीं एक प्रश्न। श्रीलंका सरकार घोषणा करते कि भारत ठार् से सैन्य सहायता निहाती आवश्यक करुच्ची एवं श्रीलंका सैन्य सह भारतीय सैन्य मान रही से ट्रेनिंग देवार आवश्यकता रही जहाँपाई गोताबाया राजपक्षे सरकार एप्रिल मसने भारत आसवर योजना करे सबुठ बड़ कथा पाकिस्तान को सबुबले प्रशंसा कर श्रीलंका
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ କାହିଁକି ଲୋଡ଼ୁଛି? ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଗତ March 25 ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏକ ଜାହାଜ ଭାରତୀୟ ପୋର୍ଟରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ 300 kg ହିରୋଇନ୍ ବରାମଦ ହେବା ସହ AK-47 ରାଇଫଲ୍ର ମଧ୍ୟ ବରାମଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଡ୍ରଗ୍ ଓ ସ୍ମଗଲିଂ ଧନ୍ଦା ରହିଥିଲା। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବା, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାହସିକତା ଟ୍ରେନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖିଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚୟନ ନକରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଲୋଡ଼ିଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜାଣିଛି କି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସାହାଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ତେଣୁ ଏବେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି କି କିଛିଦିନ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଝଟକା ଦେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଖାସ୍ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ, ଏଥିରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଯାହାକି ସାରା ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9 କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।